अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह के करम से अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। ये देखिए, हम लोग डिनर के लिए गए थे जिस दिन मेरा बर्थडे था, 10 अक्टूबर को। तो ये लाल किला है दुबई में, जुमेरा के पास। ये देखिए, ये ग्रिल है सब, इसमें फिश है, चिकन है, मटन है, सब पूरा मिक्स है। देखिए कैसा है, यहाँ पे सब ग्रिल होता है यहाँ पे। ये इनका ग्रिल होने का सब प्लेस, जगह है। इसमें इमली की चटनी है, खट्टी मीठी। ये देखिए सब लिखा है वहाँ पे ना। ये देखिए मटन, मटन कढ़ाई, बहुत अच्छा खाना रहता है यहाँ पे। कितने डिश है, ये हलीम है, हलीम। ये पाया है, पाया मटन पाया है। ये सब हलीम के साथ में डालने के लिए, जिंजर गार्लिक है, गरम मसाला है, ग्रीन चिली है, कोरिएंडर पाउडर है, बिरिस्ता है। देखिए ये प्रॉन्स तंपूरा, चिकन पुलाव, बटर चिकन, सब किस्म का पराठे हैं यहाँ पे। लच्छा पराठा है, आलू पराठा है, ईरानी पराठा है, सब मिल जाएगा आपको। जो बोलोगे आप फिर बना के फ्रेश देते हो लोग। ये देखिए सरसों का साग है, मक्के की रोटी थी, ये पापड़ है, वेज में है, ये पनीर कोरमा है, बटर पनीर है, सब ऐसा है पनीर में, मतलब वेज में ज़्यादा। दाल फ्राई है, सब वेज डिशेज है पूरा ये सब। फिर प्लेन राइस, सादे राइस रहते हैं वेज, इसमें सब दो तीन सब्जी है। दाल फ्राई है, देखिए शाही दाल फ्राई है, ये सूप है, हाँ वेज और नॉन वेज है वो सूप है ये सब। ये देखिए ये है वेज चाइनीज है ये। डिशेज यहाँ पे ये आपको सब बहुत अच्छा मिलेगा यहाँ पे। पास्ता है, ये जलेबी रहती है यहाँ पे, जलेबी है, पास्ता है, मतलब ये सब बच्चों के लिए है। पिज्ज़ा रहेगा, स्प्रिंग रोल है, ये है सब। समोसा है, देखिए यहाँ पे भी समोसा है, वेज समोसा रहता है। और यहाँ पे आइसक्रीम भी है, कुल्फी, कुल्फी भी है यहाँ पे। ये तो ये सभी, अभी ये सलाद है, देखिए कितने किस्म का सलाद है यहाँ पे, बहुत टेस्टी रहता है सलाद। आप खाओगे तो बस ज़बरदस्त खाते रह जाओगे, बहुत किस्म का सलाद है। ये देखिए यहाँ का अचार भी बहुत अच्छा है, अचार भी बहुत अच्छा रहता है। चटनी देखो कितनी किस्म की चटनी, ये बना आलू बुखारे की चटनी है जो मेरी मम्मी को बहुत पसंद है। ये दही बड़ा है, दूसरे बहुत किस्म की चटनी, ये हमोस है, ये दही बड़े हैं, ये ग्रीन चटनी है, ये दही की चटनी है, दही का रायता है, बहुत कुछ है ऐसा, बहुत कुछ है इसमें सलाद में, बहुत कुछ बना है बाबा, कितना बताऊँ आपको लोगों को। ये देखो अचार में, अचार भी है, कितना सलाद है देखिए, ये पूरा देखिए इतना है, मतलब बहुत बड़ा है ये रेस्टोरेंट, काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत भी है, बहुत अच्छा है, यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है। अब दुबई का, आप लोग दुबई कभी भी आओगे तो ये रेस्टोरेंट में ज़रूर आना खाने के लिए। जुमेरा में है ये लाल किला, फेमस है, आप उसको पूछो के बता देंगे। देखो यहाँ पे है ये सब गोलगप्पे हैं, जैसे पानी पूरी बोलते हैं ना वो है, और ये बन कबाब आता है, बन कबाब भी तभी बोलो जब बना के तवे पे बना के देते हैं वो लोग, बन कबाब है ये।
बन कबाब रहता है ये देखिए, मतलब सब सेव पूरी वगैरह आपको सब मिलेगा, छोले वगैरह, और ये पे बर्फ़ का गोला मिलेगा यहाँ पे ना, जो यहाँ पे बर्फ़ का गोला मिलता है ना जैसे हम लोग को मुंबई में मिलता है, यहाँ पे सब स्वीट है। आप कितना स्वीट खाओगे देखो, बताती हूँ अभी मैं, पहले सब दिखा देती हूँ आपको, स्वीट दिखाऊंगी आप लोगों को। ये देखिए सब ऐसा है, इतना बड़ा है, यहाँ से लेके वहाँ तक आप लोग जाते रहो, चलते रहो। ये देखो स्वीट में, ये है गुलाब जामुन, बहुत टेस्टी होते हैं इनके गुलाब जामुन। बाकी सब ये पेस्ट्री वगैरह है, सब बहुत सी चीज़ें हैं, ये केक है, पता नहीं कितने कितने है, चॉकलेट केक है। ये देखिए केक, ये मोस सब है, ऑरेंज मोस होता था ना, ये देखिए सब, कितना खाओगे आप। खीर भी है, सेमई आती ना वो भी है इधर, बताऊंगी मैं जब गई थी मैं। हाँ ये है सेमई आती ना वो है, ये कैरामल है, ये भी केक है, स्वीट डिश, ये है ऑरेंज मूस आता ना स्वीट, जेली है, ऑरेंज है, रेड है। मेरी बहन का बहुत फेवरेट है यहाँ पे सूजी का हलवा, और वो पूरी खाती है, कभी भी आएगी ना दुबई तो एक लोग ज़रूर जाते हैं यहाँ पे, अक्सर मैं आती हूँ यहाँ पे, मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, मैं आती हूँ कभी कभी, ऐसा कुछ मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 महीने में, 4 महीने में एक आध बार ऐसा कभी जाती हूँ मैं। रोज़ इतना हैवी खाना तो नहीं खा सकते ना आप लोग कोई भी। तो ये देखिए सब पूरा था, इतना ये सब आप लोगों को बताया मैंने, बहुत अच्छा खाना है, इतना अच्छा खाना है, लोगों का सर्विस भी बहुत अच्छी सर्विस है। आप अगर आपको नहीं जाना तो आप जगह पे भी लाके लोग देते हैं सब चीज़ ना, कभी उठने के लिए प्रॉब्लम हो, नहीं जाना हो, मूड नहीं है तो वहाँ टेबल पे भी सर्व करते हैं लोग। ये देखिए कितना बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, ये बाहर भी है। हाँ अभी विंटर में बाहर भी बैठेंगे, बाहर के लिए भी बना रहे हैं, बाहर भी बैठते हैं विंटर में ना, और रमज़ान में भी बहुत रश रहता है, बहुत रश होता है रमज़ान में भी। गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सब्सक्राइब तो करो प्लीज़, सब्सक्राइब बहुत नहीं कर रहे आप लोग कब से। ये देखो सब में इसमें बिरयानी वगैरह मेरे हस्बैंड ने सब लेके आ गए एक साथ में ना, छोटा छोटा सब डाल के वेस्ट। ये देखो बर्फ़ का गोला बन रहा है, ये मेरा फेवरेट है, ये देखो बना के दे रहे हो। बेचारे ने पहले रूह अफ्जा का बनाया तो बहुत स्वीट था, फिर बोली काला खट्टा जैसा बना, तो काला खट्टा नहीं था तो उसने मिक्स करके सब ना काला नमक वगैरह सब मिक्स करके बना के दिया। ये देखिए कैसा लगा गाइस, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में लिखना, बताना कैसा लगा आप लोगों को ये। ये देखिए बना के दे रहे ना, ये बहुत मीठा था। ये मनोज है इसका नाम, प्रदीप नाम है इनका, ये बना के दे रहे थे ना। ये देखो सब स्वीट डिश सब लेके आए छोटा थोड़ा थोड़ा करके ना, कितना खाएंगे। ये गोला दूसरा भी है, दूसरा ये वाला देखो, ये वाला काला खट्टा जैसा है, दोनों था। रूह अफ़ज़ा का बहुत मीठा लगा मुझे तो मैंने उसको छोड़ दिया। ये देखो मैं कैसे खा रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ। कैसा लगा गाइस आप लोग को बताना है ये, और कभी भी आप दुबई विज़िट करो तो ज़रूर आना लाल किला में, ठीक है गाइस। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।